क्वेश्चन है आपका 1, 8, 27, 64। यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या हुआ। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 8, 3 की क्यूब, 27, 4 की क्यूब, 64। तो 5 की क्यूब क्या होगी? 125। तो यहाँ पर आंसर होगा 125। सेकंड क्वेश्चन है 30, 28, 23, 21। यहाँ पर बताना है क्या होगा। -2, -5, -2। तो यहाँ पर क्या होगा? -5। आंसर होगा 16। जो कि आंसर भी नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन है 3, 6, 8, 16, 18। यहाँ पर 2 के पेयर बनेंगे। 3 × 6 यहाँ पर भी 2 के बनेंगे। 8 × 16 यहाँ पर भी 2 के पेयर बनेंगे। 18 × 36 तो आंसर होगा 36, जो कि ऑप्शन सी में है। फिर होगा फोर्थ क्वेश्चन 6, 4, 12, 18, 8, 18, 12। यहाँ पर बताना है क्या होगा। 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24। आंसर ए में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15, 23, 33। यहाँ पर बताना है क्या होगा। इसमें +6, +8, +10। तो यहाँ पे होगा +12, 23 और 12, 45। तो यहाँ पर 45 आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है 25, 50, 100, 200। यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या होगा। 25 × 50, 50 × 100, 100 × 200, 200 × 400। तो यहाँ पर 400 आंसर होगा। मेरा नेक्स्ट 17, 21, 23, 27, 29, 35, 35, 39। +4, +2, +4, फिर होगा +2, फिर होगा +4, फिर होगा +2, फिर होगा +4, फिर होगा +2। तो यहाँ पे हो जाएगा 41, जो कि आंसर ए में है। फिर है नेक्स्ट 4, 9, 20, 41, 90। यहाँ पे होगा 4 × 8 + 1, फिर होगा 9 × 18 + 2, फिर है 20 × 40 + 3, फिर होगा 45 × 86 + 4, फिर होगा 90 × 180 + 5। ये थी हमारी आज की रीजनिंग की क्लास। अगर वीडियो